हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द ऑलकेमी पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन, इसका नाम था पीटरसन सिंथेसिस, के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है सार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली CSIR नेट। इस CSIR नेट में हर दो एग्जाम छोड़ के इससे रिलेटेड क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जा रहा है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सार्पलेस एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होता है, इसके दौरान क्या इपॉक्सीडेशन होता है, किस प्रकार होता है, क्या इसका सबस्ट्रेट है, क्या इसमें रिएजेंट्स काम में आ रहे हैं, ठीक है, क्या इसकी ट्रिक्स है, इस सबको हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको खुद सॉल्व करने के लिए दूंगा, जिसका आंसर आपको नीचे वीडियो में कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक है, और अपनी YouTube चैनल द ऑलकेमी पर रिलेटेड सारे वीडियोस ऑलरेडी मेंशनड है। पीटरसन सिंथेसिस आप जाएंगे तो आपको मिलेगी, रिएजेंट से रिलेटेड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, DDQ से रिलेटेड सभी जो रिएक्शंस है वो आपको अपने प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन 1980 में दी गई थी सार्पलेस के द्वारा, जिसको 2001 में नोबल पुरस्कार मिला है। ध्यान देना, नोबल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड सेलेक्टिव मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल एनाइशियोमर प्रोडक्ट। ठीक, इसमें हम क्या है कि मेजर प्रोडक्ट बनते दो हैं, बट एक मेजर एक माइनर बनता है। फाइनली हम चूज किसको करेंगे, मेजर को। वही हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बनने वाला मेजर कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए, द एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक अल्कोहल विद टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रो पर ऑक्साइड ए टाइटेनियम मेटल कैटलाइज्ड एंड टार्ट्रेट एस्टर लिगेंड कॉल्ड सार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। क्या क्या कहा गया कि ये इपॉक्सीडेशन एलाइलिक अल्कोहल के अंदर होता है, जो एज ए सबस्ट्रेट वर्क करता है, और इसके अंदर क्या क्या काम आता है, टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरॉक्साइड, टाइटेनियम मेटल कैटलाइज्ड एंड टार्ट्रिक एस्टर लिगेंड, ये इसके बेस होते हैं एज ए रिएजेंट। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या होगा। सबस्ट्रेट सबसे पहले ध्यान दें, एलाइलिक अल्कोहल ही देगा सार्पलेस में। यहां तक बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अब रिएजेंट में मैंने लिखा सबसे पहले टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रो परऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन एज ए सोर्स काम करेगा। अब ध्यान दें, ये मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट, प्लस माइनस डीईटी। डीईटी का मतलब क्या हो गया, डाई इथाइल टार्ट्रेट। ठीक है, तो प्लस है या माइनस है यही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा इपॉक्सीडेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, वेज फॉर्म में होगा, डेस फॉर्म में, सब डिपेंड करेगा इस प्लस और माइनस वाली सिचुएशन पर। ठीक है, फिर क्या दिया गया, इसी रिएजेंट्स में टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपॉक्साइड काम में लिया जाता है, साथ में CH2Cl2 ईथर, और टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री या -20 डिग्री तक भी हम जाते हैं। यहां तक बात क्लियर? ये तो बात हो गई रिएजेंट की, अब मैं बात कर रहा हूं यहां सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट तुम्हारा क्या होगा, एलाइलिक एल्कोहल। क्लियर? अब देखते हैं, अब मैंने कहा यहां पर कि जो तुम्हारा मेन जो रहेगा रिएजेंट में फंक्शन वो है तुम्हारा प्लस माइनस डीईटी। प्लस माइनस डीईटी का मतलब क्या है, डाइथाइल टाइट्रेट जो तुमको यहां मैंने इंडिकेट किया है वो तुमको हो सकता है प्लस फॉर्म में ही दे या फिर तुम्हें माइनस फॉर्म में, ये तुम्हें एरो के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। इसी से हमको डिसाइड करना है कि बनने वाला सार्पलेस इपॉक्सीडेशन किस प्रकार होगा। ठीक है, आर को हम प्लस कहते हैं, SS को माइनस कहते हैं, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालने का तरीका है। यहां तक बात क्लियर हो गई?
कि सार्पलेस का बेस क्या है, ये अपने को पता होना चाहिए। सार्पलेस की पहचान टाइटेनियम टेट्रा अपोक्साइड देगा या तुमको देगा प्लस माइनस जीटी, ये प्रेजेंट होना कंपलसरी है। क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सार्पलिस रिएक्शन जो होती है वो एनेंसियो सेलेक्टिव भी होती है और डाइसियो सेलेक्टिव भी होती है। इसका क्या मतलब हुआ देखते हैं। मैंने एक सिंपल रिएक्शन लिखी है, एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, इस एलाइलिक एल्कोहल की रिएक्शन जब मैं सार्पलिस रिएजेंट के साथ करवाता हूं तो मुझे दो प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं। एक मुझे अल्फा इपोक्सीडेशन, जिसे हम डेज से इंडिकेट किया है, एक मिलेगा बीटा इपोक्सीडेशन, जिसे मैंने वेज से इंडिकेट किया। तो ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। तो जब ये रिएक्शन करवाता हूं तो मुझे पेयर ऑफ एनेंशियो मर्स मिल रहा है, इसका मतलब एनेंशियो सेलेक्टिव होगा। एनेंशियो सेलेक्टिव का मतलब ये हो गया कि वन इज मेजर अनदर इज माइनर। ठीक है, दो मिल रहे हैं उसमें एक मेजर होगा एक माइनर होगा, तो ये हो गया पेयर ऑफ एनेंशियो में। एक मैंने ये लिया एक रिएक्शन में जिसमें ऑलरेडी एक स्टीरियोमेंसर है, इसकी रिएक्शन जब मैं वही सार्पलेस रिएजेंट के साथ करवा रहा हूं तो मुझे एक अल्फा प्रोडक्ट एक बीटा प्रोडक्ट मिला। तो यहां मिलने के बाद जो मुझे प्रोडक्ट में जो मिली स्टीरियो वो क्या हो गए, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स हो गए, क्योंकि यहां पर एक की स्टीरियो ऑलरेडी मेंशन्ड है, सेकंड स्टीरियो यहां रिएक्शन के दौरान बन रही है, इट मींस ये डाइस्टीरियो सिलेक्टिव हो गया। तो ये दोनों प्रकार की रिएक्शन देता है सार्पलेस, कौन सी, एनेंशियो सिलेक्टिव एज वेल एज डाइस्टीरियो सिलेक्टिव। ये चीज यहां तक क्लियर हो रही है, किस प्रकार से देगा। ओके, अब देखो दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक अल्फा और एक बीटा। मैं इसको सबसे पहले तो मैं यही क्लियर कर दूं कि हम अल्फा इपोक्सीडेशन को कहेंगे डेज से इंडिकेट करेंगे और बीटा इपोक्सीडेशन को हम किससे इंडिकेट करेंगे, वेज से इंडिकेट करेंगे। यहां बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। देखिए अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि मैंने कहा कि सबस्ट्रेट जो होगा तुम्हारा वो एलाइलिक एल्कोहल होगा। क्या होगा, एलाइलिक एल्कोहल। यहां ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहां पे। मैंने कहा एलाइलिक एल्कोहल तुम्हारा यदि सबस्ट्रेट है तो इसको मैंने दो भागों में तोड़ा, फर्स्ट बॉटम लेफ्ट सेकंड बॉटम राइट। अब ये क्या चीज आ गई, ये चीज हम समझते हैं। सबसे पहले बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट क्या है। देखो बॉटम लेफ्ट मतलब ध्यान देना, यहां से जो डबल बॉन्ड है इस वाले कार्बन से हमको देखना है कि ये वाला ग्रुप तुम्हारा किस तरफ जा रहा है। समझा रही, ये ग्रुप तुम्हारा किस तरफ है, इस पॉइंट से, किस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से। ध्यान दे, इस वाले पॉइंट से तुम्हारा ये ग्रुप किस तरफ जा रहा है ये हमको पता होना चाहिए। देखिए इस तरफ को मैं देखता हूं तो ये तुम्हारा ग्रुप किधर गया, बॉटम लेफ्ट में गया। बॉटम लेफ्ट का मतलब समझ में आ रहा है। इस तरफ वाले में देखो, इस वाले डबल बॉन्ड के कार्बन से रेस्ट जो तुम्हारा ये ग्रुप है किस तरफ जा रहा है, राइट साइड, इट मींस बॉटम राइट साइड है। बात क्लियर आ गई, बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट का मीनिंग क्या है एक्चुअल में। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझा देता हूं कि इसको मीनिंग क्या रहेगा और एग्जाम में आएगा तो किस प्रकार से हम इसको बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट समझेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में है क्या। देखो यहां पर अब बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट पहचानना मुश्किल हो रहा है, कुछ नहीं करना आपको, अपने को कुछ नहीं करना, पेपर आएगा अपने को, पेपर को उठाओ घुमाओ, घुमा करके ऐसे सिचुएशन में लियो, सिचुएशन में लिया है, जैसे ये लेके अपने को पता लग गया कि यहां से ये ग्रुप किधर जा रहा है तुम्हारा, किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट में, इट मींस तुम्हारा ये लिख रहा है डबल बॉन्ड, उसके बाद में ये ग्रुप किस तरफ है, लेफ्ट में, इट मींस अपने को पता लग गया यहां पर फाइनली कि ये ग्रुप तुम्हारा क्या हो गया, बॉटम लेफ्ट। क्लियर समझ में आ रही पिक्चर यहां तक कि तुम्हारा ये क्या हो गया, बॉटम लेफ्ट। क्लियर पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल में ये है कुछ नहीं करना, जहां अपने को दिखे वहां तक इसको घुमा लो, ये घुमा लिया साहब, घुमा लिया इसको, घुमाने के बाद देखा ये डबल बॉन्ड की रेस्पेक्ट में ये ग्रुप तुम्हारा किस तरफ जा रहा है, राइट साइड की तरफ, किस तरफ जा रहा है, राइट साइड की तरफ, इट मींस तुम्हारा ये ग्रुप तुम्हारा क्या हो गया, बॉटम राइट। यहां तक क्लियर आ रही है बात, क्या कह रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल तीन नंबर देखते हैं। तीन नंबर एग्जाम्पल में हमने देखा कि साहब इसको इस तरफ से हमने मूव किया और मूव करके हमने ये देखा कि ये ग्रुप इस वाले कार्बन से किस तरफ मूव है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड, तुम्हारा किस तरफ है, राइट साइड, इट मींस ये वाली तुम्हारा
एलाइलिक एल्कोहल कौन सा हो गया? बॉटम राइट। क्लियर? अपने को मूव करके देख लेना है, इजीली हमको पता लग जाएगा। ये वाला देखें हम, देखो इस तरह से पता नहीं लग रहा, लेकिन अपने को ये ग्रुप को कहां लाना है? बॉटम में लाना है। बॉटम में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको रोटेट किया, रोटेट करने के बाद हमको पता लगा कि इस डबल बॉन्ड की रेस्पेक्ट में ये ग्रुप तुम्हारे कहां है? राइट साइड में है। किस तरफ है? राइट साइड में है। इट मीन्स तुम्हारा ये वाला भी क्या हो गया? बॉटम राइट हो गया। यहां तक क्लियर चल रहा है पिक्चर? ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, फाइव नंबर। इस वाले में मैंने ये पता करना है कि ये बॉटम राइट है या बॉटम लेफ्ट है। तो देखो ऐसे किया, डबल बॉन्ड यहां दिख रहा है, डबल बॉन्ड वाले इस कार्बन से इस ग्रुप को देखो कहां है, किस तरफ है? लेफ्ट साइड है। किस तरफ है? लेफ्ट साइड है। तो इसको हम क्या कहेंगे तुम्हारे ग्रुप को? फाइनली बॉटम लेफ्ट। और लास्ट वाला जो है ये मेंशन्ड है, सीधा साइड डायरेक्ट देखेंगे, डबल बॉन्ड के साथ में ये ग्रुप कहां है? राइट साइड है। तो तुम्हारा ये बॉटम राइट। तो यहां तक पिक्चर समझ में आ रही है तुम्हें कि वाकई में बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट का मीनिंग क्या है? क्लियर हो गया? तो सबस्ट्रेट तुम्हारा में से एलाइलिक एल्कोहल रहेगा, और बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट हमने पहचान लिया, रोटेशन करवा के पहचान लेंगे फाइनली। यहां तक क्लियर? देखिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या इसकी ट्रिक रहेगी क्वेश्चन सोल्व करने की, यहीं से हमारा आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। देखो एक समझना है, दूसरा आपको ऑटोमेटिक पता लगेगा। मैंने लिखा सबस्ट्रेट तुम्हारा बॉटम मान लो राइट निकला, आफ्टर रोटेशन हम पता लगा लेंगे। जैसे ही पता लगा कि बॉटम राइट है और आपको रिएजेंट्स में प्लस डीईटी दिया गया है या आर आर डीईटी दिया गया है, तो हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा वो तुम्हारा क्या होगा? अल्फा एपॉक्साइड बनेगा, जिसको हम डेस से बनाएंगे। यहां तक बात क्लियर हो रही है? या फिर मैं कह दूं बॉटम राइट है तुम्हारा, ये तो पता लग गया हमको। यहां पर तुमको यदि माइनस डीईटी देगा तो बीटा वाला जो वेज वाला वो तुम्हारा मेजर बनेगा। इस एक को याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक उसका रिवर्सल लेगा। बात क्लियर है यहां तक? बात क्लियर है? देखो मैंने क्या कहा, बॉटम राइट को प्लस डीटी के साथ में अल्फा बनाएगा, इसको याद रखो। सेम यही केस उल्टा करता हूं, देखो मैं कहूं बॉटम लेफ्ट के साथ में प्लस डीटी बीटा बनेगा, मतलब वेज वाला बनेगा। बॉटम लेफ्ट के साथ में माइनस डीटी दूंगा तो अल्फा हाइपोक्साइड एज ए मेजर बनेगा, जस्ट लाइक टेस वाला बनेगा। तो किसी भी एक को याद करो, इसको याद करो या इसको याद करो, किसी एक को याद रखना, दूसरा ऑटोमेटिक उसके रिवर्स चलेगा। इसको याद रखते हैं, आगे हम इसी के बेस पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहां तक बात क्लियर? अब देखो हम एग्जांपल्स के साथ पता लगेगा क्या हो रहा है। फर्स्ट एग्जांपल मैंने ये दिया, इसके साथ ये ग्रुप है, तो आपको पता लग गया कि एलाइलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और आर आर डी टी प्लस, इट मीन यहां पर सरप्लेस रिएक्शन हो रही है। पता लगने लग गया कि क्या हो रहा है, ये अपने को पहचान करना आना चाहिए। जैसे ही पता किया, सबसे पहले हम जाएंगे कहां पर, ये चेक करेंगे कि यहां पर बॉटम लेफ्ट है या बॉटम राइट है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पेपर को रोटेट करवाएंगे। पेपर को रोटेट करने के बाद हमको पता लगा इस कार्बन से ये ग्रुप किस तरफ है, लेफ्ट में। लेफ्ट में है तो तुम्हारा ये क्या हो गया, बॉटम लेफ्ट हो गया। बॉटम लेफ्ट है तुम्हारा और तुमको प्लस डीईटी दी गया है, तो बॉटम लेफ्ट प्लस डीईटी तुम्हारे साथ क्या बनाएगा, हमेशा बीटा वाला, मतलब वेज वाला। तो वेज पर तुमको इपॉक्सीडेशन कर देना है। बात क्लियर यहां तक तुम्हारी? समझ में आ रही है पूरी बात? आगे देखिए सेकंड एग्जांपल में मैंने यहां पर एलाइलिक एल्कोहल की रिएक्शन एस एस डी टी, इट मीन्स मैं इसको एस एस को माइनस भी लिख सकता हूं। तो देखो इसको मैंने पता किया, सबसे पहले ये देखिए, इसे रखने के बाद हमको पता लगा कि ये किस तरफ है तुम्हारा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड है तो तुम्हारा ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, बॉटम लेफ्ट। तो जब एलाइलिक एल्कोहल तुम्हारा बॉटम लेफ्ट है और यहां पर माइनस डीईटी है, तो तुम्हारा बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा। अल्फा मतलब बेस पर, तो बेस पर इपॉक्सीडेशन कर दो। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे अब हम एग्जांपल एक और देख लेते हैं, जिसको संक्षेप में मैं एक लाइन बोलता हूं, ध्यान से सुनना। ड्यूरिंग द इपॉक्सीडेशन कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म इज ऑपरेट, सो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलाइलिक डबल बॉन्ड इज मेंटेन ड्यूरिंग द
रिएक्शन इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर जो तुम्हारा डबल बॉन्ड है या उससे लगे हुए जितने भी ग्रुप है उनकी स्टीरियो प्रोडक्ट में मेंटेन रहेगी, क्योंकि जो रिएक्शन हो रही है इपोक्सीडेशन की वो कंसर्टेड मैकेनिज्म से हो रही है। बात क्लियर? तो देखो मैंने इसे एग्जांपल लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हो सकता है एग्जाम में बन सकता है, ध्यान देना। ये इस तरीके से तुमको बना हुआ देगा विद स्टीरियो, पता लग रहा है एलाइलिक एल्कोहल भी है प्लस डीटी के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो कहां होगा यह पता लगाना है। कुछ नहीं करना, इस ग्रुप की पहचान करो। इस ग्रुप की पहचान करने के लिए मैंने सबसे पहले इसको ऐसे रखा, ऐसा रखता है तुमको एल्कीन दिख गया, डबल बॉन्ड दिख गया, डबल बॉन्ड से इस वाले कार्बन से हमको देखना है ये ग्रुप किस तरफ है। ये ग्रुप तुम्हारा किधर है? राइट साइड है, राइट साइड है, तो उसको मैंने क्या कहा? बॉटम राइट। ध्यान देना, बॉटम राइट है और प्लस है, तो मैंने कहा बॉटम राइट और प्लस डीटी हमेशा तुम्हारा क्या बनाएगा? अल्फा बनाएगा, और अल्फा तुम्हारा मतलब डेस पर बनाएगा। तो तुम्हारा फाइनली आंसर क्या हो गया? डेस पर। निकालना आ गया तुम्हें आंसर अब इजीली, कोई परेशानी नहीं आएगी, बहुत इजी तरीके से निकलेंगे सवाल। अब मैं तुम्हें देखता हूँ प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो अब तक आए हुए हैं, देखो किस प्रकार से ऑप्शन काटेंगे और कैसे आंसर निकालेंगे। ध्यान देना, पहला एलिक एल्कोहल सबस्ट्रेट दिख रहा है हमको, ठीक है, यह ध्यान देना। ये ग्रुप तुमको पता लग रहा है कि कौन सी रिएक्शन होगी तुम्हारी यहां पर? सरप्लेस, सरप्लेस रिएक्शन हो रही है, ये तुमको पता लग गया। तो अब देखो सबसे पहले ये देखो बॉटम राइट है लेफ्ट है, ये किया मैंने, जैसे ही मैंने ये रखा हमको पता लग रहा है इस कार्बन से तुम्हारा ये ग्रुप किधर जा रहा है, पूरा पूरा बॉटम राइट साइड, बॉटम राइट साइड हो गया, ये तुम्हारा सबस्ट्रेट का पता लग गया, और प्लस डीटी है बॉटम राइट है, तो हमको ये तो पता लग गया कि रिएक्शन में क्या होने वाला है, डेस पर प्रोडक्ट बनेगा। कहां बनेगा तुम्हारे? डेस पर प्रोडक्ट बनेगा, डेस पर ही बनेगा ना, ठीक है। अब भैया डेस पर बनेगा या वेज पर बनेगा, इससे क्लियर हो गया हमारे बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट से, तो डेस पर प्रोडक्ट बनेगा। चलो अब देखते हैं हम डेस पर कहां कहां है, एक तो इसमें है और एक इसमें है, इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो तुम्हारे चल दिए यहां से, ओके। अब बचा कौन सा? ए और सी। ए और सी में अब क्या दिक्कत आ रही है? चलो अच्छा, इस डबल बॉन्ड का भी इसने क्या कर दिया? इपोक्सीडेशन, जबकि अपनी पहले ही शर्त क्या है कि सार प्लेस हमेशा एलाइलिक एल्कोहल का ही करता है इपोक्सीडेशन, तो एक ही एग्जांपल बचा है आपका, ये लो। तो ऑप्शन काटते हुए आंसर करना आना चाहिए, ये चार मार्क्स में तुमसे 2011 जून में पूछा हुआ है। बात क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका फर्स्ट स्टेप भी हमने कर लिया है, फर्स्ट स्टेप हमने लास्ट वीडियोस में कर रखा है जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के देखना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, एक ही, यदि तुम्हें प्रोपारगेलिक एल्कोहल दिया जाए और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो तो हमेशा तुम्हारा ट्रांस एलाइलिक एल्कोहल बनता है, ट्रांस एलाइलिक एल्कोहल बनेगा। इट मीन्स ऑप्शन अब पहले इस रिएजेंट से काट लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो देखो इसमें ट्रांस है, इसमें सीस है, काटो, इसमें ट्रांस है, इसमें सीस है, काटो, तो कौन कौन से बच गया? ए और सी। फर्स्ट स्टेप से ही अपने को दो ऑप्शन कट गए, इजी हो गया। आगे तुम्हारी जैसे तुमको एलाइलिक एल्कोहल दिख रहा है और यहां पर डायरेक्ट यही लिखा हुआ है तुम्हारा क्या? सार्पलेप इपोक्सीडेशन और प्लस डीईटी, तो अपने को अब पता करना है कि यहां पर कौन सा तुम्हारा एलाइलिक एल्कोहल, बॉटम राइट या बॉटम लेफ्ट, ये पता लग जाएगा तो हम इजीली अपनी ट्रिक से कर ही देंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया, मूव किया, ऐसे ऐसे के घुमाया हमने, ये देखो घुमा लिया, जैसे ही हमने घुमाया ए और सी में है, जैसे ही हमने घुमाया हमको पता लग रहा है इस कार्बन से ये ग्रुप तुम्हारा किस तरफ है, लेफ्ट साइड है, किस तरफ है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड है तो तुम्हारा ये क्या हो गया, बॉटम लेफ्ट। और मैंने हमको बताया अभी कि बॉटम लेफ्ट, ठीक है, बॉटम लेफ्ट की रिएक्शन एलाइलिक एल्कोहल की यदि प्लस डीटी के साथ करवाऊंगा तो मुझे बीटा वाला एजेंट ब्रिज प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, बीटा वाला एजेंट ब्रिज प्रोडक्ट मिलेगा, तो बीटा मतलब वेज पे बनेगा, ठीक है, किस पे मिलेगा, वेज पर मिलेगा, ओके, तो वेज पर मिलेगा, इट मीन्स आंसर तुम्हारा वेज पे, इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसने तो ये जो सिंपल डबल बॉन्ड है उसका भी कर दिया जो कि ये नहीं करता है, तो ऑप्शन तुम्हारा एक भी कट गया। फाइनली आंसर तुम्हारा क्या हो गया,
ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर जो केवल एलएलई कैलकुल का वेज पर रिडक्शन करेगा। तो ऑप्शन काटते हुए हासिल करना आ गया तुम्हें, क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है तुम्हारा थर्ड नंबर, इसमें क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले हमको सरप्लेस ही करवा दिया इसने, इजीली दिख रहा है तुम्हें यहां पर सरप्लेस होते हुए दिख रहा है। तो देखो अब क्या करेंगे, हमको सबसे पहले सबस्ट्रेट को पहचानना है, वही सिचुएशन। सबसे पहले सबस्ट्रेट देखो बॉटम राइट या बॉटम लेफ्ट, क्या करेंगे हम उसके लिए, इसको करेंगे हम मूव। मूव किया, मूव करते हमको पता लग रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड पर यहां लगा हुआ कार्बन पर ये ग्रुप जो तुम्हारा है पूरा का पूरा, ये ग्रुप तुम्हारा किस तरफ है, बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट? तुम्हारा कहां है, बॉटम राइट, बॉटम राइट, ठीक है साहब, बॉटम राइट है। और तुम्हारा यहां पर क्या है, प्लस डीटी, बॉटम राइट के साथ में प्लस डीटी की रिएक्शन तुम्हारी क्या कहलाती है, अल्फा पर इपोक्सीडेशन करना है। कहां करना है, अल्फा पर इपोक्सीडेशन। तो ऑप्शन तुम्हारा क्यों और एस तो रवाना हो गए, कट गए कि नहीं कटे, बचे कितना ऑप्शन, दो पी और आर। तो एक स्टेप में हमारी सरप्लेस क्लियर होगी, सेकेंड स्टेप तुम्हारी बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना। ये बनने के बाद में अपने को पता लग गया कि यहां पर क्या होगा, फाइनली लोन पेयर जो है ऑप्शन के वो अटैक करेंगे इस प्रकार। जैसे ही लोन पेयर अटैक करेगा रिंग ओपनिंग हो जाएगी और डेस पर तुम्हारा ओएच मेंटेन रह जाएगा। और ये वाली रिंग अटैक कहां से होगी, ये डेस पर तो अटैक कहां से करेगा, वेज से। तो ये वेज की तरफ से तुम्हारी रिंग बन जाएगी पोक्साइड की। तो फाइनली क्या हो जाएगा तुम्हारा, मैं इसे बना दूं तो मैं ये कह सकता हूं ये तुम्हारा पूरा ग्रुप, ये तुम्हारा फाइनली बन जाएगा। जैसे ही ग्रुप बनता है, अब तुम्हारा जो यहां पर जो ये है सल्फर, यहां से ये सल्फर अटैक करेगा यहां पर और ये रिंग इपोक्साइड की ओपनिंग हो जाएगी। जैसे ये ग्रुप यहां टेक करेगा इपोक्साइड रिंग ओपनिंग, ये फाइनली तुमको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। सेकेंड स्टेप तुम्हारा सिंपल अदर रिएक्शन में जाएगा, सबसे पहले हमको सरप्लेस देखना है, सरप्लेस एक्चुअल में किस प्रकार हो रही। तो फाइनल आंसर समझ आ रहा है, सरप्लेस के साथ में पहचान करना आना चाहिए, इजीली तुम कर जाओगे। ये भी जून तुम्हारे 2017 में 4 मार्क्स में पूछा गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें तुमको मैंने ये लास्ट एग्जांपल जो था ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जब पीटरसन सिंथेसिस डिस्कस की थी, और मैंने कहा था सिंपल ट्रिक थी उसमें भी, यदि तुमको एसिड दिया है तो उसके प्रेजेंट में तुमको ये जो दोनों ग्रुप्स है तुम्हारे ट्राइमथाइसिलिन और ओएच, ये तुम्हारे कहां होने चाहिए, ट्रांस। इट मींस ये इस टाइम ट्रांस में है, डायरेक्ट इनको उठाओ, डबल बॉन्ड यहां पर क्रिएट कर दो। इट मींस ऑप्शन तुम्हारा ये कट गया और ये कट गया, बचे कौन से, पी और क्यू। इन दो ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए अपने को रिएक्शन कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सरप्लेस एसिमेट्रिक। सरप्लेस के लिए सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि पहले सबस्ट्रेट पहचानो, बॉटम राइट या बॉटम लेफ्ट। तो देखो ये से मैंने जिस प्रकार लिखा, इसमें मुझे पता लग रहा है कि ये ग्रुप इस कार्बन से कहां जा रहा है, बॉटम राइट की तरफ मूव कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा, बॉटम राइट की तरफ यदि मूव कर रहा है तो इसको मैंने कहा बॉटम राइट। और बॉटम राइट की रिएक्शन जब मैं प्लस डीटी के साथ करवाता हूं तो मुझे डेस पर ओएच मिलेगा, डेस पर इपोक्सीडेशन मिलेगा, सॉरी डेस पर इपोक्सीडेशन एक ही एग्जाम्पल में हो रहा है, ऑप्शन पी, क्लियर हो रहा है। तो फोर्थ नंबर एग्जाम्पल ये भी दिसंबर 2017 में, देखो लगातार पूछा हुआ है, जून 2017 दिसंबर 2017 11 में पूछा हुआ, 12 में पूछा हुआ, एक एग्जाम्पल है जो अपने पीछे रह गया दिसंबर मतलब जून 2015 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है जहां तक मेरी मेमोरी में याद है, ठीक है। तो दिसंबर 17 में भी है और जून और दिसंबर दोनों में आया हुआ, यहां तक क्लियर हो रही है एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की, बहुत इजीली पूछा गया है, गेट में पूछा गया है ये 2008 में, दो नंबर में, ठीक। सिंपली तुमको ये बना के दे दिया और इससे पता लग गया तुमको फाइनली क्या हो रही है यहाँ पर, सरप्लेस। ट्रिक पता लगनी चाहिए तुम्हें क्या है, आराम से तुम कर जाओगे। देखो क्या किया इसने, डबल बॉन्ड इस ग्रुप को फोकस करो, यहां से जब फोकस करोगे तो तुमको पता लगेगा कि ये किधर जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। तो बॉटम राइट तुम्हारा ये ग्रुप हो गया और यहां पर प्लस डीटी लग रहा है तो तुम्हारा डेस पर क्या बनेगा, इपोक्सीडेशन। डेस पर इपोक्सीडेशन सेम स्टीरियो रखनी है क्योंकि मैंने कहा कंसर्टेड मैकेनिज्म में हो रहा है। एक तो तुम्हारा ये गया, ये उल्टा कर दिया, ये भी उल्टा कर दिया, ये भी कट गया तुम्हारा, वेज पे तो हो ही नहीं रही रिएक्शन तुम्हारी। फाइनली आंसर डी क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन काटते हुए करना है तुम्हें, डेस पर तुम्हारा इपोक्सीडेशन।
लास्ट एग्जांपल देखिए, सिक्स्थ नंबर। इस एग्जांपल, ये भी गेट 2016 में पूछा हुआ। देखो कितनी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब जून 2020 में इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन 100% बनेगा इससे, ठीक है? तो ध्यान से पढ़ के जाना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं इसको बताता हूँ क्या होता है इसमें एक्चुअल में। फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन हो रही है ना, इसकी मैं मैकेनिज्म ड्रॉ करके आपको एलाइलिक एल्कोहल कैसे बनता है ये मैं पहले बताता हूँ, ठीक है? इस सबस्ट्रेट को ध्यान दो, इस सबस्ट्रेट को ध्यान दो। देखो मैं कैसे बताता हूँ। मैंने कहा यहाँ पर बेस की प्रेजेंट में पहले, सबसे पहले मैं मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाला, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कार्बन कार्बन पर अटैक करता है और ऑक्सीजन की तरफ अपना इलेक्ट्रॉन जाता है। जैसे ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये स्पीसीज इसके साथ बॉन्ड बना लेती है। बन गया बॉन्ड, क्लियर है यहां तक? बॉन्ड जैसे ही बना, मैंने इसका क्या कर दिया, H3O प्लस के साथ में प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन करके ये मैंने क्या किया, ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन चिपका दिया, चिपका दिया हाइड्रोजन। अब देखो क्या हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप एक साथ कंप्लीट करूंगा मैं, ध्यान देना। जैसे ही हुआ, अभी तक NaOH बेस प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर। अब बेस क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन निकाल के यहां टेक करेगा, नेगेटिव चार्ज यहां टेक करके OH बाहर, वाटर मोलिक्यूल के रूप में ये बाहर, और यहां पर क्या बन जाएगा तुम्हारा, डबल बॉन्ड। क्लियर हो रही है बात, क्या बन गया तुम्हारा यहाँ पर, डबल बॉन्ड। ध्यान दे, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है, ये डबल बॉन्ड अगले स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके ये ग्रुप बाहर, ये यहां से बाहर, फाइनली तुम्हारा रिडक्शन हो जाएगा। और रिडक्शन से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर एस्टर का रिडक्शन से क्या बनता है, एल्कोहल, एल्कोहल या तुमको मिल गया। तो इस प्रकार से स्टीयो वाला एल्कोहल हमको फाइनली मिल गया। तो ये स्टेप है जो हम बाद में देखेंगे कैसे हुआ, बट सबसे पहले हमको इपोक्सीडेशन इस पर ध्यान देना है सारा प्लेस पे। तो हमको फाइनली बता हुआ कि ये ग्रुप इस ग्रुप की रेस्पेक्ट में इस तरफ जाएगा। तो ऑप्शन सी और डी तो तुम्हारा कट गया, क्लियर यहां तक? अब ऑप्शन ए और बी में फाइनल करना है अपने को आंसर क्या होगा। ध्यान दे, यदि ये ए और बी में ये क्लियर हो गया कि इस तरफ है, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, सार्पलेस। सार्पलेस में इसने क्या दिया है, माइनस डीईटी, ध्यान देना माइनस डीईटी दिया है। अब पहले इसकी पहचान तो करें कि ये बॉटम राइट है या लेफ्ट है। तो देखो इसका मूवमेंट करवाते हैं, मूव कराने के बाद हम देखते हैं किसी भी एक सबस्ट्रेट को देख लेते हैं। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ में इस ग्रुप को ध्यान दें, किस तरफ है बॉटम, राइट साइड है ये राइट साइड हो गया। जैसे राइट साइड हुआ, अब इसको यहां घुमा लो वापिस, और पता लग गया कि तुम्हारा सबस्ट्रेट क्या हो गया, बॉटम राइट। बॉटम राइट के साथ में मैं माइनस डीईटी की रिएक्शन करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं मैं, बॉटम राइट के साथ में माइनस डीईटी की रिएक्शन करवा रहा हूं। तो ध्यान देना, हमेशा वेज पर तुम्हारा इपोक्सीडेशन होगा, बीटा इपोक्सीडेशन मेजर बनेगा। इसलिए इसका फाइनली आंसर क्या हो गया तुम्हारा, ए हो जाएगा। इपोक्सीडेशन किस तरफ होगा, वेज से। क्लियर हो रही है, यहां पर तुम्हारा क्या काम में लिया है मैंने, माइनस डीईटी। क्लियर है यहां तक? ये भी 2 मार्क्स में गेट 2016 में तुमसे पूछा गया है। यहां तक पूरी इपोक्सीडेशन समझ में आ रही? अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको खुद को सोल्व करके बताना है मुझे। ये एग्जांपल ध्यान से देखो आप, और इस एग्जांपल को ध्यान से तुम देखो और मुझे ये बताओ पूरा इपोक्सीडेशन पढ़ने के बाद सार्पलेस कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? कमेंट करके मुझे इसका आंसर आप जरूर बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि आपको सार्पलेस इपोक्सीडेशन समझ में आया कि नहीं। यहां तक क्लियर है? पूरा सार्पलेस इपोक्सीडेशन हमने बहुत शानदार तरीके से क्लियर किया है, हर एग्जाम्पल को हमने क्लिक किया है आईआईटी, ठीक है, गेट में जो भी पूछा गया है, सीएसआई नेट में बार बार पूछा गया है। तो अपने को पूरी तरीके से सार्पलेस के लिए माइंड सेट करके तैयार रहना है कि इस बार क्वेश्चन आता है तो अपना गलत नहीं जाना चाहिए। 4 नंबर का सवाल है, सी सेक्शन में जो भी सवाल आता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अहम भूमिका निभाता है, एक एक नंबर अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्लियर समझ में आ रही है बात, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट।